दृश्य बात सही है कि जब मैं कामदर बिला बिल्कुल झारखंड से बिलोंग करती है, आशीष जी गीति और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। फिलहाल ये बहुत ही बेहतरीन खेल का समावेश दोनों टीमों के बीच जरूर होगी। और जहां हम बात करें के जी में कामदर बिला डिफेंडर की, तो लंबे कद के बिल्कुल शुक्राम हैं। और फिलहाल अभी तक सेकेंड हाफ की शुरुआती चरण पर एक मौका बनाने की कोशिश फिलहाल एस एस जी गीति लाहौर ने मौका बनाने की कोशिश तो जरूर की थी, हालांकि अभी तक तालमेल बनाने में नाकाम। फिलहाल एक बार फिर ड्रिबलिंग करना चाहा साथी खिलाड़ी तक पहुंचाने के लिए जरूर तत्पर थी, हालांकि डिफेंडर काफी सशक्त असिस्टेंट डिफेंडर बिल्कुल गेंद काफी लॉन्ग एफर्ट ड्राइव से क्लियरेंस कर सकते हैं। और फिलहाल भीम का नजर आज इस गेजों में कांगर बड़ा की ओर से नजर आ रहा है। फिलहाल भुगु अपने साथी खिलाड़ी को दे रहे चाहे छिल का पर गेंद, हालांकि अभी तक बिल्कुल दिनेश और भीम क्या ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन, और ये बहुत डेंजर हो सकती थी, हालांकि किक तो अच्छी लिए थे जरूर और थोड़ी सी हड़बड़ाहट हमें नजर आई, नतीजा फिलहाल गोल पोस्ट से बाहर। धन्यवाद जी, सही बात है भीम, इस तो गोलकीपर के लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश करती है कि एक बार चलिए भीम बनाम मिशन, नौ नंबर खिलाड़ी मिशन, गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास, साथी को पास देने का प्रयास, लेकिन गेंद छिटकी लेकिन पोजीशन नहीं। और एक बार पुनः भीम ड्रिबलिंग के सहारे अपने साथी पुनः बुटगु को देना चाहा, लेकिन बुटगु से गेंद एक्सेप्ट नहीं हुई, रविंदर गेंदों पर कब्जा जमाते हुए एक बार पुनः लुपिन शॉट के द्वारा अपने साथी तक गेंद पहुंचाने का प्रयास, पुनः गेंद बाहर निकली। पांच नंबर सूरज अरे बहुत अच्छी किक, यहाँ एक पुनः मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा खेल की गति कम होती हुई, और क्यों नहीं जब बड़ा मैदान हो। और भीम एक बार पुनः बहुत बढ़िया प्रयास, लेकिन सफलता पूर्वक अपने साथी तक गेंद नहीं पहुंचा पाए, अन्यथा एक बेहतरीन मौका बन सकती थी। एक बार पुनः देखने वाली बात होगी, दबाव बनाते हुए एक बार पुनः मिशन तो कह सकते हैं धनंजय जी, मारने से बचाने वाले बहुत ज्यादा दम रखते हैं। सही बात है। उसी का नतीजा फिलहाल आपने देखा, वेस्ट बंगाल जिस प्रकार से गेंद बार बार आक्रमण जरूर कर रही है कैसे में कांदर बिड़ा, हालांकि अभी तक गोल तक अर्जित नहीं कर पाई। और जहां बात करें बिल्कुल वेस्ट बंगाल की, गीति लाहौर बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन अभी तक पेश जरूर किया है, हालांकि थोड़ी सी दबाव की महसूस आ रही है। फिलहाल एक बार पुनः मिशन और अच्छी डिफेंडिंग आप कह सकते हैं धनंजय जी। और फिलहाल सुखराम के कैमरे पर गेंद, अशुक्राम अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाना चाहे, हालांकि गीति लाहौर अभी तक गेंद और रविंदर काफी तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ फिलहाल अभी तक बुलगू के लिए गेंद सौंपा है अपने साथी खिलाड़ी के लिए भीम, और एक मौका बनाने की कोशिश थी है और बार बार मौका को भुनाने में नाकाम, और रविंदर को एक बार मौका खेल रही है। निश्चित रूप से इनका बहुत नाम हुआ करता है इस क्षेत्र पर, और जब वो अपने खेल अच्छा खेल खेलती है तो बड़े बड़े टीमों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है इनको, लेकिन जब होम टीम अपने ग्राउंड पर खेलती है, और निश्चित रूप से यहाँ उनके सपोर्टर भी बहुत होंगे, और क्यों नहीं आज उनके अच्छे अच्छे खिलाड़ी सभी फिट है और बहुत बेहतरीन खेल तो खेल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक को अभी तक उन्हें गोल से वंचित रखी हुई है, और मुझे लग रहा है उन्हें काफी दिक्कतें आ सकती है, और पेनल्टी तक का सफर में जाने के लिए, लेकिन प्रयास करते हुए लेकिन अभी तक यहाँ बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाई, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़े से दिक्कतें हुई है उन्हें जिस तालमेल के साथ कांदर बेड़ा खेल रही है, और थोड़े से दबाव जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक बार पुनः पोजीशन में आते हुए छोटी छोटी पास के जरिए गेंद को आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, एक सफलतम पास कही जाएगी, और पुनः एक बार मिशन के लिए, लेकिन मिशन का जादू आज नहीं चला है इस मैच पर, अभी तक नहीं चला है, लेकिन जब भी उनका मिशन कामयाब होती है तो बहुत ही बेहतरीन मूव बनती है एक बार पुनः, लेकिन बिल्कुल और एक बार रविंदर के लिए पुनः भीम, और भीम जब मेरी किक, और किक जबरदस्त थी धनंजय जी, बिल्कुल अब लग तो कर सकते हैं, हालांकि किस प्रकार से लग पर परिवर्तन करता है ये तो देखने वाली बात होगी। और जहां तक गीति लाहौर बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रही है, मौका बनाने की कोशिश अभी भी करेगा जरूर, हालांकि थोड़ी सी आप कह सकते हैं एक अभी तक तालमेल बनाने में सफल अर्जित नहीं की है। और फिलहाल गीति लाहौर नतीजा
उसी का नतीजा आप देख पा रहे हैं फिलहाल। एक बार पुनः भीम के लिए गेंद और भीम बार बार लेकिन और चांडिल प्रखंड दोनों ही टीम हमारे सिटिंग जोन पर तैनात हो चुके हैं। उनको दोनों ही टीमें के सभी खिलाड़ी साथियों को मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पहले तो बबलू स्पोर्टिंग चांडिल आ चुका है और अब भूमिज ब्रदर्स चांडिल प्रखंड हमारे इस बहुत बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भुना पाई। आज यहाँ बात करें बिल्कुल भीम भीम का परिचय अभी तक जरूर पेश कर चुका है। अच्छा बार बार प्रयास कर रहा था कहा भीम और रविंदर बार बार किक लेना चाह रहे थे और मिशन और तीन मिशन भीम और रविंदर जिस प्रकार से बार बार एंड यू ट्राई अगेन लेकिन आफ्टर यू कैन सक्सेस हार उसी का नतीजा फिलहाल सक्सेस हो चुकी है। फिलहाल एक बार रविंदर के लिए गेंद ये सही बात है बहुत ही बेहतरीन प्रयास था बहुत देर से प्रयास कर रहे थे और उस प्रयास का नतीजा वो शून्य एक की बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल करते हुए लेकिन काफी कह सकते हैं काफी मशक्कत करने के बाद भीम भी अपने आप को बहुत कोस रहे थे क्योंकि वो भी तीन चार की इस तरह का लिए और निश्चित रूप से वो मायूस रहे होंगे। एक बार पूरा मिशन और मिशन का यही तो कमाल है कि वो अपने मिशन पर हमेशा डटे रहते हैं और एक बार मिशन क्या कर पाते हैं बिल्कुल मिशन भी अपना मिशन तो पूरा किया है धनंजय जी यहाँ सही बात है। जब भीम आगे आगे तो मिशन पीछे पीछे तो आएंगे जरूर लेकिन क्या ही बेहतरीन यही एक मिशन का कमाल है जब भी उनको मौका मिलता है। रविंदर के लिए गेंद सौंपा था और रविंदर का थोड़ा सा हड़बड़ाहट जरूर हो रही थी नतीजा फिलहाल पूर्ण संयम रखते हुए रविंदर मिशन के लिए गेंद सौंपा और इस प्रकार से 2-0 की बढ़त अभी तक बना चुका है हमारे होस्ट टीम के जिम्मे कांदर बेड़ा और हमारे फिलहाल गीतिंग लाहौर वेस्ट बंगाल की टीम अभी 2-0 से पिछड़ता हुआ ये चलती मैच पर। और जहां बात करें अक्सर हम कह रहे हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है यू ट्राई अगेन एंड अगेन यू कैन सक्सेस हालांकि